शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के एक हेडमास्टर ने अपनी समधन को बीच बाजार में जमकर पीटा। वहीं समधन की रिपोर्ट पर खनिया थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले समधी के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला की बेटी की शादी हेडमास्टर के लड़के से हुई थी और लड़की बीमार हो गई थी, जिसका इलाज न कराने के चलते लड़की की मौत हो गई थी। इसी बात से नाराज महिला ने हेडमास्टर को बाजार में पकड़कर गालियां देना शुरू कर दी, तो वहीं हेडमास्टर ने बीच बाजार महिला को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले को लेकर हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे लड़का को मारा था, अरे कुछ दिन लड़की खत्म भई थी, मारा था, शाम रिपोर्ट करने आए थे कि हमारी लड़की खत्म हो गई, ऊपर शाम को मार रहे, तो रिपोर्ट ये आपसी में समधी समधन का मामला है। इनमें एक नवविवाहिता की मृत्यु हो जाने पर आपसी आक्रोश रहा होगा दोनों में, तो इस प्रकार की हल्की सी मारपीट करना की रिपोर्ट थाना खनिया थाना में आई थी, जिसके से फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 323 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, मामला विवेचना में लिया गया।